हम अपनी गलती मानते हैं, हमको माफ कर दीजिए, पर हमारे माँ पापा को मत बुलाइए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। ये देखो देखो गिरगिट है, गिरगिट कहीं की एक दिन हुआ नहीं घर में आया कि महाभारत छेड़ दी। सारे अपशगुन हो रहे हैं कि आने से, ऊपर से पति का नाम लेके और अपशगुन फैला रही है ये लड़की। अरे दादी शगुन अपशगुन छोड़ो और ये सोचो, आज इन महारानी ने भौजी के हाथ पकड़े हैं, कल को अम्मा की गर्दन पकड़ ली तो। देव ऋषि, यही एक नारी की दुविधा होती है, उसे एक समय में दो परिवारों के मध्य संतुलन बनाना होता है। बड़े बुजुर्ग सही कह के गए हैं, प्रेम विवाह में परिवार का प्रेम टूटता है, क्योंकि न तो इसमें लड़की का चाल चलन पता होता है न उसके परिवार का। लौंडे तो बस आसिक मिजाजी में स्नो पाउडर लाली लिपस्टिक देख के अंधे हो जाते हैं। नमस्ते अम्मा। नमस्ते कुंती भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे ओ कुंती भाभी, अपनी नई बहुरिया से तो मिलवाओ, सुना है तोहरे बिटवा को रिझा के शादी की है। हाँ भाई, चर्चा तो बहुत सुनी है उनकी, जरा हम भी तो देखे कौन है वो सुंदरी। रहो चाची, कोनो काम दाम नहीं है का, जाइए अपने घर, कोई नहीं है यहाँ। अरे बिटवा, आए हैं तो मिलने देना, क्यों बहन है ना। अरे देख देख, लगता है यही है इंद्रेश्वर की बहुरिया। कहते हैं ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है, इनके तो कई चक्कर चलते हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। बंद करिए बकवास, चलो स्वाति। अरे अरे इंद्रेश्वर, अरे तनिक बात तो करने दो नई बहुरिया से। सुन रही कुंती, खूब लड़की चुना है तेरे बेटे इंद्रेश्वर ने, देखो कैसे हाथ पकड़ के चला गया। एक बात कहूँ, अगर थोड़ा लगाम कसी होती ना तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते तुझे। हाँ ऐसा है, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया हो तो बीएड करके स्कूल टीचर बन जाइए, स्कूल कॉलेज में ज्ञान बांटिए, यहाँ सब ग्रेजुएट हैं, किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की देवी लोग, चलिए जाइए। अरे जा रहे हैं, हम यहाँ रहने थोड़ी आए। चलो बहनों,